हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टुडे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे द स्कॉलर पोएम। ये जो द स्कॉलर पोएम है, ये रॉबर्ट सदे के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छा पोएम है दोस्तों। ये पोएम भी थोड़ा लंबा है, इस नाते सीधे चलिए हम लोग देखते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। माई डेज, मेरे दिन, एमंग द डेड आर पास्ट। यहाँ पे डेड का मतलब मृत से नहीं बल्कि मृत लेखकों से है। लेखक कह रहा है कि मेरे जो दिन हैं, माई डेज, मेरे दिन, एमंग द डेड आर पास्ट, मृतक लेखकों के बीच व्यतीत होता है। अराउंड मी, अराउंड मतलब चारों तरफ, मी मतलब मेरे, मेरे चारों तरफ, आई बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब होता है देखना, यानी मेरे चारों तरफ मैं देखता हूँ। वेरीवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी। दीज, ये, कैजुअल आइज, कैजुअल मतलब आकस्मिक होता है और आइज मतलब आँखें। आकस्मिक आँखों का मतलब यहाँ पे सामान्य आँखों से है, यानी सामान्य रूप से जहाँ कहीं भी ये आँखें। आर कास्ट, कास्ट का मतलब होता है पढ़ना, यानी जहाँ कहीं भी आकस्मिक रूप से मेरी आंखें पड़ती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माइटी मीन्स शक्तिशाली होता है और माइंड्स मतलब विचार होता है। ऑफ ओल्ड यानी जो पुराने विचार हैं, अर्थात हमारे जो पुराने लेखक, मृतक लेखक हैं, उनके जो शक्तिशाली विचार हैं, उन विचारों के ऊपर ही मेरी आंखें क्या होती हैं, पड़ती हैं। अर्थात जो लेखक है उस लाइब्रेरी में बैठा है और लाइब्रेरी में चारों तरफ जहाँ कहीं भी वो देखता है सब किताबें रखी हुई हैं। और किताबें क्या हैं? हमारे पुराने जो लेखक हैं, अर्थात हमारे जो मृतक और महान लेखक हैं, उनके क्या हैं, शक्तिशाली विचार हैं जो किताबों के रूप में रखे गए हैं। लेखक बता रहा है, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, यानी उन बुक्स को और उनकी जो शक्तिशाली विचार हैं, उन विचारों को बता रहा है कि ये मेरे कभी न धोखा देने वाले मित्र हैं। माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे हमारे क्या हैं, कभी न धोखा देने वाले मित्र हैं। विथ होम, जिनके साथ, आई कन्वर्ज, मैं बातचीत करता हूँ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, यानी इन्हीं के साथ में मेरा जो कन्वर्सेशन है, मेरा जो बातचीत है, हमेशा होता रहता है। नेक्स्ट है, विथ देम, उनके साथ, आई टेक डिलाइट इन व्हील, आई टेक, मैं लेता हूँ, डिलाइट मतलब आनंद होता है, आई टेक डिलाइट, मैं आनंद लेता हूँ, इन व्हील, व्हील मतलब क्या होता है, आनंद होता है, यानी जब मैं आनंद में होता हूँ तो उनके साथ आनंद लेता हूँ। एंड सीक, और ढूंढता हूँ, सीक मतलब ढूंढना, रिलीफ मतलब शांति, आनंद, इन ओ, ओ मतलब होता है दुख, यानी जब हम दुख में होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलीफ को ढूंढते हैं, यानी सांत्वना को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं। एंड और वाइल, और जब आई अंडरस्टैंड, और जब मैं समझता हूँ, एंड फील, और महसूस करता हूँ, हाउ मच, कितना अधिक, टू देम, उनके लिए, आई ओव, मैं रेडी हूँ, यानी जब मैं इस बात को समझ लेता हूँ और महसूस कर लेता हूँ कि इन लोगों के लिए मैं कितना अधिक रेडी हूँ, माई चीक्स, तो मेरे जो गाल हैं, माई चीक्स, मेरे गाल, हैव ऑफन बीन बीड्यूड, बीड्यूड का मतलब क्या होता है, बीड्यूड का मतलब होता है भीग जाना, यानी बीड्यूड मतलब भीग जाना, तो मेरे जो गाल हैं, चीक्स हैं, वो अक्सर क्या होते हैं, ऑफन मतलब अक्सर, बीड्यूड मतलब भीग जाना, तो वो अक्सर भीग जाते हैं। विथ टीयर्स, आंसुओं से भीग जाते हैं, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, थॉटफुल यानी सोचनीय, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, यानी सोचनी कृतज्ञता की आंसुओं से मेरे जो गाल हैं वो भीग जाया करते हैं। अर्थात लेखक जब इस बात को समझ लेता है कि जो लेखक इन विचारों को लिख करके चले गए हैं
और उन्हीं विचारों का सहारा लेकर के जब मैं दुख में होता हूँ तो उसी में सांत्वना ढूंढ लेता हूँ, और जब आनंद में होता हूँ तो उनसे और अधिक आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। और इन चीज़ों को जो मैं उनसे प्राप्त कर रहा हूँ, आनंद और सांत्वना, उनके लिए मैं कुछ दे भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में है भी नहीं। जब मैं इस चीज़ को समझ लेता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हो गया हूँ, तो मेरे जो गाल हैं वो कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। नेक्स्ट है, माई थॉट्स, मेरे जो विचार हैं आर हैं विथ द डेड, यानी मेरे जो विचार हैं वो कैसे हैं, मृतक लेखकों के साथ ही हैं, अर्थात जिस प्रकार से उनका विचार है वैसा ही मेरा भी विचार है। विथ देम, उन्हीं के साथ, विथ देम, उनके साथ आई लिव, मैं रहता हूँ। इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, यानी पिछले लंबे सालों से, अर्थात पिछले लंबे कई सालों से मैं इन्हीं के साथ रह रहा हूँ। देयर वर्च्यूज लव, देयर वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब क्या होता है, गुण होता है, लव मतलब होता है प्रेम करना, उनके जो गुण हैं उनसे मैं प्रेम करता हूँ। एंड देयर फॉल्ट, और उनमें कमियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लेखक जितने हैं सब अच्छी ही चीज लिखे हैं, उसमें जो कमियाँ हैं उन कमियों की मैं क्या करता हूँ, कंडेम करता हूँ, अर्थात आलोचना करता हूँ, अर्थात उनके जो गुण हैं उनसे मैं प्रेम करता हूँ और उनकी जो कमियाँ हैं उनकी आलोचना करता हूँ। पार्टेक, भाग लेता हूँ, देयर होप्स, उनकी आशाओं में भाग लेता हूँ, एंड फियर्स, और उनके भयों में भाग लेता हूँ, अर्थात जो उनकी आशा है उसमें भाग लेता हूँ और जो भय है उसमें भी भाग लेता हूँ। अर्थात यहाँ पर देखिए, जो अब आज हम लोग देखते हैं कि मूवी देखते हैं, मूवी में भी 3D मूवी आ गया है जो सब कुछ रियल लगता है, तो इन सब सारी चीज़ों से अगर हम लोग बैक चलें तो पहले ज़माने में जो लेखक लिख करके चले जाते थे उसी को पढ़ने से ही लोगों को अगर भय वाली चीज़ें होती थी तो भय लगने लगता था, और करुणा वाली चीज़ें होती थी तो आंसू निकलने लगता था। तो जैसा सिचुएशन होता था वैसा ही उनके माइंड पे और उनके हृदय पे प्रभाव पड़ता था। जैसे आज की मूवी को देखने पर माइंड और हृदय में प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही केवल उस समय में किताबों को पढ़ने से प्रभाव पड़ता था। तो उसी को लेखक यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनके पाठों से, फ्रॉम देयर लेसन्स, लेसन्स मतलब क्या होता है, पाठ होता है, शिक्षा होता है, सीख, ढूंढता हूँ, और उनके पाठों में से ढूंढता हूँ, उनके शिक्षा से ढूंढता हूँ, एंड फाइंड, और पाता भी हूँ। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब शिक्षा होता है, निर्देश होता है, विथ अन हम्बल माइंड, यानी जो लेसन्स हैं उनमें से ढूंढता हूँ और पाता भी हूँ शिक्षा को, और जो शिक्षा उनमें से पाता हूँ उन बहुत ही विनम्र भाव के साथ में उनका अनुसरण करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। माई होप्स, मेरी जो आशाएं हैं आर विद द डेड, वो मृतक लेखकों के साथ में है। देखिए होप्स मतलब क्या होता है, आशा होता है। माई होप्स, मेरी आशाएं आर हैं विथ द डेड, मृतक लेखकों से ही हैं। एनन, शीघ्र ही, माई प्लेस, मेरा स्थान, विथ देम विल बी, यानी विथ देम उनके साथ, विल बी, अर्थात मेरा जो स्थान है वो भी शीघ्र उन्हीं के साथ में हो जाएगा। एंड आई, और मैं, विथ देम उनके साथ, सैल ट्रेवल ऑन, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, यानी मैं भी यात्रा करता रहूंगा थ्रू आर फ्यूचरिटी, यानी फ्यूचरिटी मतलब क्या होता है, भविष्य होता है, थ्रू आल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण भविष्य में मैं भी यात्रा करता रहूँगा, अर्थात जिस तरीके से आज इन महान लेखकों के विचार को हम बैठ के पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे भी जो विचार हैं वो इन्हीं के साथ हो जाएगा, अर्थात मेरी भी पुस्तकें इन्हीं लोगों के साथ में रखी जाएंगी, लोग पढ़ेंगे और मैं भी भविष्य में इसी तरीके से यात्रा करता रहूँगा। एट लिविंग हियर ए नेम, मात्र यहाँ पर क्या करके, एक नाम छोड़ करके, लीव मतलब होता है छोड़ना, हियर मतलब होता है यहाँ पे, ए नेम,
एक नाम, यहाँ पर सिर्फ एक नाम छोड़ करके मैं भी भविष्य में यात्रा करता रहूंगा। आई ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास होना। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है दैट की विल नॉट पेरिस, पेरिस मतलब होता है नष्ट करना, इन द डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल। अर्थात लेखक के कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं नाम यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा वह मिट्टी में नहीं मिलेगा, वह भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण होगा जैसे ये महान लेखक आज महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी की देन है कि आज हम लोग रॉबर्ट सदे को एक उसी रूप में एक महान विद्वान के रूप में ही देख रहे हैं। तो ये उसी कैटेगरी में आ चुके हैं और इनकी सोच भी वैसे ही थी। तो दोस्तों, ये है हमारी वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।